हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे, सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11, और क्लास 11 की एनसीईआरटी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ज्योग्राफी क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर अप कर ली है। अब ये हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसको हम बिल्कुल अच्छे से कवर अप करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, राइट? तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में भूगोल। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में कुछ मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा एडवांस या बहुत ज़्यादा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरक्टिव रिलेशनशिप्स। देयरफोर अ पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज इज व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी
मेनली एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, और हम क्या देखेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का है, और हमारी धरती का, अर्थ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी कैसी हैं, क्या हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स या हमारे एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी ग्राउंड्स पे हम क्या देखेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आर सराउंडिंग्स इन मेनी वेज। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज। प्रिमिटिव सोसाइटीज सब्सिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, दैट इज एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं, तो वहाँ की अब हम हर एक हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा नेचर है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हर चीज़ से हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, हमारी लाइफ का कम्युनिकेशन हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक चीज़ के साथ है एनवायरनमेंट की। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए हम बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम पे भी अगर हम बात करें, तो क्या हुआ करता था, वो नेचुरल मीन्स पे जिया करते थे अपने। नेचुरल मीन्स मतलब कि जो एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ करते थे, वो उस पे सस्टेन करते थे, अपनी लाइवलीहुड जीते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपन, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमने क्या करना शुरू किया, हमने अपना फूड खुद बनाना शुरू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर। हमने फूड उगाना शुरू कर दिया, हमने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी। वो कैसे करी, वो हमने किससे की है, टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होने की वजह से। वी एडजस्टेड आर फूड हैबिट्स एंड क्लोदिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। देर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन विद and modification of physical environment, social organizations and cultural development। मतलब हमने क्या किया, टाइम के साथ साथ अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज की है, अपने ओढ़ने बैठने का तरीका भी चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल भी चेंज किया। क्यों, हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है, हम किस तरीके के क्लाइमेट में सर्वाइव कर रहे हैं, कैसा क्लाइमेट है हमारे आसपास, उस तरीके से हमने अपने आप को अडाप्ट किया है, एडजस्ट किया है। अब हमें क्या है, क्योंकि एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से है, ठीक है, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ में वेरियस चेंजेस की वजह से, वेरिएशंस की वजह से हम भी अपने आप को उन चेंजेस में ही ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। You learn about the diverse lands and people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variations over time and space. मतलब ज्योग्राफी क्या करती है, हमें डाइवर्सिटी या बहुत सारी चीज़ों में जैसे वेरिएशन क्यों आ रहा है, वो सारी चीज़ें स्टडी करने की, देखने की, एनालाइज करने की, रियलाइज करने की के बारे में हमें हेल्प करती है। यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स एंड हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सर्फेस। द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल्स ऑब्टेन्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी इक्विप यू टू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द नेशनल एंडेवर फॉर डेवलपमेंट। मतलब कि इसमें भी क्या बता रहा है, ये किससे बता रहा है कि ज्योग्राफी से भी अगर आप कुछ चीज़ों को लिंक करेंगे ना, देखेंगे, तो ये भी हमारी नेशनल इकोनॉमी को बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है, डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क इज व्हाट इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी है क्या। यू नो दैट अर्थ इज आर होम, इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रीचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। The Earth's surface is not uniform. It has variations in its physical features. अब धरती क्या है, हमारा घर है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, हर एक उस ऑर्गेनिज्म का घर है जो कि धरती पर रह रहा है,
हर एक छोटे से छोटा और हर एक बड़े से बड़ा, ठीक है। अब जो अर्थ का सरफेस की अगर हम बात करें तो हमें वो यूनिफॉर्म नहीं देखने को मिलता। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि हमें वो हर जगह एक जैसा नहीं देखने को मिल रहा है। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो अर्थ सरफेस है उसमें भी बहुत बदलाव है, मतलब उसमें भी चेंजेस हैं। हर जगह पे हमें अलग अलग तरीके का हमें जो सरफेस है वो देखने को मिल रहा है। क्यों? फिजिकल फीचर्स की वजह से। फिजिकल फीचर्स की हमने बात की थी ना कि फिजिकल फीचर्स हैं कि कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं हिमालयाज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी फिजिकल फीचर्स की वजह से वो वेरिएशन हमें देखने को मिल जाती है। देर आर माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशंस, लेक्स, डेजर्ट्स एंड वाइल्डरनेस, मतलब हमें हर तरीके का देखने को मिलता है। और जैसे जैसे वो तरीके हैं, जैसे जैसे वो चेंज होते हैं, उसी हिसाब से हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। सो वी कैन से कि हमें यूनिफॉर्मिटी अर्थ सरफेस पे देखने को नहीं मिलती बिल्कुल भी। हर चीज़ में हमारी डाइवर्सिटी है तो धरती भी क्यों पीछे रहेगी, अर्थ क्यों पीछे रहेगी। वो भी कहती है भाई मुझ में भी डाइवर्सिटी है जगह से, जगह जगह पे, हर जगह आप जाओगे तो अलग चीज़ मिलेगी, अलग तरीके की मिलूंगी मैं, राइट। देर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू, मतलब उनके सोशल और, ये तो फिजिकल एनवायरनमेंट था, फिजिकल के साथ साथ उनके सोशल और कल्चरल फीचर्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे देर आर विलेजेस, सिटीज़, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड मैनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डिवेलपमेंट, मतलब हमें अलग अलग विलेजेस, सिटीज़ या काफ़ी सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मानव द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है। और उन क्रिएशन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि सोसाइटी डेवलप हो रही है, कल्चर डेवलप हो रहा है अलग तरीके का, और अब डेवलप हो रहा है उनके हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि अर्थ में और हमारे में भी फिर चेंज आएगा उसी हिसाब से, क्योंकि हम उसको अडाप्ट करेंगे। राइट, सो दिस वेरिएशन प्रोवाइड्स अ क्ल्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल और कल्चरल फीचर्स। अब ये वेरिएशन से हमें क्लू मिल रहा है कि हाँ अब क्या हो रहा है कि फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, तो शायद इनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ये शेयर करते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज इनैक्टेड द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स with the tools and techniques which they invented and involved in the process of their cultural development। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट ने क्या करा, जैसे एक हम किसी कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं ना, तो वो मान लो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि वो कॉम्पिटिशन कंडक्ट करा रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है कि वो इंस्टीट्यूशन हमें स्टेज प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उस स्टेज पे जो परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस देनी है, वो कौन देगा, वो हम खुद देंगे, राइट। वो परफॉर्मेंस हम खुद देंगे, और वो परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारे अंदर कितनी स्किल्स हैं, हम कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कितने अच्छे से उसको एक्ट कर सकते हैं, और जो जो स्किल्स हमारे पास हमारे पास है उसके ज़रिए से। सिमिलर वे में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, वो हमें स्टेज प्रोवाइड करता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है कि जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो क्या करते हैं, वो अपना ड्रामा करते हैं वहाँ पे, उस स्टेज पे। वो ड्रामा कैसे करते हैं, अपनी स्किल्स के साथ। और उनकी स्किल्स क्या हैं, स्किल्स वो टेक्निक्स, वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इनको ये टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, वही हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, और इनकी वजह से क्या हो जाती है, धीरे 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 हमारी कल्चर की भी डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिल जाती है। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर
पोस्ड अर्लियर टू व्हाट इज ज्योग्राफी. इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसी है, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, प्लेन है, टॉप है, क्या है, वो हर चीज़ हम उसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफी. द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय इराटोस्थीन्स, अ ग्रीक स्कॉलर. कब हुई थी, कब उन्होंने ये टर्म बताई थी, कॉइन करी थी, 276 टू 194 बीसी में. ठीक है, तो जो टर्म ज्योग्राफी है, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्योग्राफी की जो टर्म है वो किसने दी थी, तो एक ग्रीक स्कॉलर थे इराटोस्थीन्स, उन्होंने ये टर्म निकाली थी, इनका इवोल्यूशन किया था इस टर्म का ज्योग्राफी. द वर्ड हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम टू रूट्स ऑफ फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. अब क्योंकि वो ग्रीक स्कॉलर थे तो उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में से ही इसको निकाला है. ग्रीक लैंग्वेज कैसे, ज्योग्राफी, तो जियो मतलब अर्थ, जियो का मतलब ग्रीक में क्या होता है, अर्थ. ठीक है, और ग्राफोस का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन, तो अर्थ की डिस्क्रिप्शन, तो उन्होंने फिर उसको क्या बना दिया, ज्योग्राफी. जियो अर्थ, ग्राफी डिस्क्रिप्शन, अर्थ डिस्क्रिप्शन, राइट. नाउ विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. मतलब एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे, एक अलग से उसकी अपनी आइडेंटिटी है, तो उसके तौर पे वो हम कैसे कह सकते हैं ज्योग्राफी किस तरीके से है. पुट टुगेदर दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज द अबोड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दस स्कॉलर्स डिफाइंड ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोड ऑफ ह्यूमन बींग्स. मतलब क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है हम उसको डिस्क्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको डिस्क्राइब भी किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका भी तो इंटरफ्रेंस है, उनके अकॉर्डिंग उनको हम एक वो ज़रिया बना के हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो क्या है, हम इसलिए इसको कुछ स्कॉलर्स इस तरीके से भी डाल देते हैं कि अर्थ के डिस्क्रिप्शन ह्यूमन बींग्स के तरीके से या ह्यूमन बींग्स के निवास के रूप में, कि वो रहते हैं, उनका घर है उनके निवास के रूप में. यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियालिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड एंड द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल. दैट इज़ वाई मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मिटियोरोलॉजी and a number of sister disciplines in social sciences such as economics, history, sociology, political science, anthropology study different aspects of the earth's surface. मतलब जैसे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो reality है वो multifaceted होती है, मतलब कि उसके नए नए रूप होते हैं. क्यों नए नए रूप होते हैं, कि भाई जो चीज़ है, अब किसी के लिए तो कोई चीज़ सही होगी, कोई बात सच्ची होगी, और किसी के लिए कोई बात सच्ची होगी, कोई चीज़ सही होगी, क्योंकि वहाँ पे सबका अपना ओपिनियन होता है, सबकी अपनी बातें होती हैं. ठीक है, सबकी अपना, सबका अपना परसेप्शन होता है, जिसकी वजह से या जिसके बिहाफ पे वो क्या करते हैं, उस चीज़, उन चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, राइट. तो क्या है, सिमिलरली जो अर्थ है वो मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल मतलब हमें उसके काफ़ी सारी डायमेंशन देखने को मिलती हैं. तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो डिसिप्लिन है वो भी हमें एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही उसमें डिसिप्लिन में हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं. जैसे अगर हम नेचुरल साइंसेज की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग नेम से. सिमिलरली सोशल साइंसेज में भी हमें काफ़ी अलग अलग डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से, जो कुछ अलग अलग आस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं, और उनकी मदद से हम अर्थ को, अर्थ के सरफेस को हम समझ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं. ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन. अब ज्योग्राफी, ये जो हम नेचुरल साइंसेज या सोशल साइंसेज के जितने डिसिप्लिन हैं उनसे काफ़ी अलग है. ठीक है, उसके, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है या वो जो मेथड्स यूज़ करता है स्टडी के लिए, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के लिए, वो सब कुछ अलग है, लेकिन
जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अर्थ के बारे में ही देख रहे हैं, अर्थ की एक्टिविटीज़, अर्थ का सरफेस को स्टडी करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। और ये जो हमारी ज्योग्राफी है ये भी क्या करती है, अर्थ की हमें डिस्क्रिप्शन देती है। ज्योग्राफी डिराइव्स इट्स डेटा बेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। तो ज्योग्राफी जो करती है ना, वो इन सारे जो नेचुरल है, सोशल साइंसेज है, उन सभी में से कुछ ना कुछ पार्ट लेती है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल एनवायरनमेंट। मतलब अर्थ सरफेस पे भी हमें वही बात कि कल्चरल एनवायरनमेंट में, फिजिकल एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी सारी वेरिएशंस देखने को मिलता है। भाई कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लैट्यूज है, कहीं प्लेन्स है, कहीं हिल्स है, कहीं वैलीज है, अलग अलग तरीके के हमें रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मेनी आर डिससिमिलर। अब क्योंकि जो रिलीफ फीचर्स है वो अलग अलग है, तो हर रिलीफ फीचर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक अलग क्लाइमेट होता है, तो उसकी वजह से उनमें कुछ कुछ चीज़ें तो सिमिलर मिल जाती हैं हमें, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलती है कि उनमें सिमिलैरिटी नहीं होती। उसमें सिमिलैरिटी नहीं है तभी तो हम उसको अलग अलग नाम दिया है ना, अलग अलग नाम से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम उसको, नहीं तो एक ही नाम से बुला लेते। इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। मतलब हर जगह के एरिया के डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, अलग अलग हर एरिया के अलग अलग आस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। Thus, geography was perceived to study all those phenomena which vary over space. मतलब स्पेस में भी जो अलग अलग फिनोमिना है उसको स्टडी करने में भी ज्योग्राफी हमारी मदद करती है। Geographers do not study only the variations in the phenomena over the Earth's surface, but also study the associations with the other factors which cause these variations. अब हमने क्या बात की कि ज्योग्राफी क्या है, अर्थ डिस्क्रिप्शन, मतलब अर्थ के सर्फेस के बारे में स्टडी करती है, लेकिन वो सिर्फ अर्थ के सरफेस के बारे में स्टडी नहीं करती, अर्थ के बारे में अर्थ के डिस्क्रिप्शन ही नहीं देते ज्योग्राफर्स, वो क्या करते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी एनालाइज करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं, उनका भी पता करते हैं। वही चीज़ जैसे हमने कहा कि बाकी के जो डिसिप्लिन हैं उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, रिलेशनशिप है। जो नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के हमें डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज अ फिनोमिना इज रिलेटेड टू वेरिएशंस इन सॉइल्स, क्लाइमेट्स, डिमांड्स इन द मार्केट, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स अवेलेबल टू हिम और हर। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अब हम कहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न हर जगह पर अलग अलग है। लाइक हम बात करें राइस है, चावल, तो कहीं पे तो चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा, कहीं पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है कि चलो ठीक है, ठीक उगा रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है। कहीं पे हमें चावल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता कि ग्रो किया जा रहा है। तो ये वेरिएशन हमें क्यों देखने को मिलती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे जो कि अफेक्ट करते हैं। काफ़ी सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे कि सॉइल उस लायक है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का है या नहीं है, जैसे कि जो चावल है उसको बारिश चाहिए होती है थोड़ी ठीक सी, तो अगर ड्राई रीजन है जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पर जब तक इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पर चावल नहीं उगा सकते, उस सॉइल पर हम चावल नहीं उगा पाएंगे, ठीक है। और मार्केट में डिमांड किस तरीके की है उस पर भी डिपेंड करता है, फार्मर के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है उसमें, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स उसके पास कितने, मतलब टूल्स और जो मेथड्स हैं वो किस तरीके के हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एक क्रॉपिंग को, ठीक है, जिस वजह से हम क्या करें, क्रॉपिंग पैटर्न हर जगह पर अलग अलग है, तो ऑब्वियसली होगा ही वो, तो क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, फिनोमिनाज हैं हर जगह के जो उसको अफेक्ट करते हैं इन वन वे और दी अदर। दस द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। तो मतलब ज्योग्राफी का मेन कंसर्न क्या होता है कि उसको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है दो फिनोमिना में या फिर
दो से ज़्यादा फिनोमिना में उसको क्या करना होता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि भाई कुछ रिलेशनशिप है क्या, ताकि उसी हिसाब से वो काम अपना रख सके, स्टडी कर सके अपनी. अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमिना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो फोरसीज द फिनोमिना इन फ्यूचर. मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे वर्क करता है कि उसका कॉज ये है तो उसका इफेक्ट क्या होगा. मतलब कि वो सिर्फ अभी के लिए ही इंटरप्रिटेशन, मतलब सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं करता, वो ये भी देखता है कि उसका फ्यूचर में आगे जाके किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है. मतलब वो इंटरप्रेट क्या कर रहा है, वो कॉज के बारे में देख रहा है, ठीक है, कि उसका कॉज क्या है, उस फेनोमिना का कॉज क्या है, रीज़न क्या है. तो उसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि आगे जाके उस कॉज की वजह से इफेक्ट क्या पड़ सकता है, क्या प्रभाव आ सकता है. द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टेटिक बट हाईली डायनेमिक. मतलब जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, चाहे वो फिजिकल की हम बात करें या फिर हम ह्यूमन की बात करें, तो वो स्टैटिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. डायनेमिक का क्या मतलब है, स्टैटिक मतलब कि जो रिजिड रहता है, एज इट इज़ रहता है, और डायनेमिक का क्या मतलब है, जो चेंज होता रहता है. तो वो हाईली डायनेमिक है क्योंकि वो वेरी हो करता रहता है, चेंज होता रहता है. दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्टिव प्रोसेसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिविटी एक्टिव ह्यूमन बींग्स. मतलब कि जो उनका इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, अर्थ का है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स का है, ह्यूमन बींग्स का है, या नेचर की बाकी सारी चीज़ों का है, तो उन सबके में जो इंट्रैक्शन है उसकी वजह से हमें ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. और वो क्या होता है, वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. मतलब जो पुराने टाइम के हुआ करते थे लोग, जैसे हम आदिवासी कहते हैं, तो वो क्या करते थे, जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना उनका, जो वहीं पे एनवायरनमेंट है, वो वहाँ से जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो ले लिया करते थे, उसी पे वो जिया करते थे. ज्योग्राफी दस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंट्रैक्शंस एज एन इंटीग्रेटेड होल. तो वो क्या करते हैं, वो नेचर के बारे में भी देखते हैं और उसमें ह्यूमन किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहा है वो भी देखते हैं. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. मतलब जो ह्यूमन है वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट है. कि नेचर में जो हम बात करते हैं ना कि क्या क्या कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं ऑटोमेटिकली, वो उसी का एक पार्ट होते हैं, राइट. और जो नेचर है वो क्या है, इम्प्रिंट है ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमन की वजह से क्या होता है, नेचर कई बार क्रिएट भी होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, इम्प्रिंट है वो नेचर का, सॉरी ह्यूमन का, ठीक है. नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशन. मतलब नेचर ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है, वो हमें कैसे पता चलता है, हमारे खाने से, पहनने से, हमारे रहन सहन से, हमारे ऑक्यूपेशन से, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, वो नेचर की वजह से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है, नेचर की वजह से हम ये सब काम करते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव कम टू टर्म्स विद नेचर थ्रू अडाप्टेशन एंड मोडिफिकेशन. तो वह नेचर के साथ किस तरीके से रहता है, जैसे हम अगर दो लोगों को रहना होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ चलो एडजस्टमेंट करके रहते हैं, चलो ठीक है आरामदारी से रह ले. तो वही चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स और नेचर एक दूसरे के साथ रहते हैं अडाप्ट करके, कहीं पर उस नेचर मॉडिफाई करता है, कहीं पर ह्यूमन बींग मॉडिफाई करता है, तो दोनों मॉडिफिकेशन के साथ, अडाप्टेशन के साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं. एज यू ऑलरेडी नो द प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ पास द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज विच वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेंस. मतलब जो पुरानी सोसाइटी थी, जैसे आदि मानव के वाली जो सोसाइटी थी, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हुआ करते थे, जो उनके पास इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना, जो उनका प्रकृति है, जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट हुआ करते थे. लेकिन अब जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, काफ़ी ज़्यादा हमें वेरिएशंस देखने को मिल चुके हैं. प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. उन्होंने अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसी को चेंज कर डाला. बात क्या हुई थी कि दोनों आपस में
मिलजुल के रहेंगे कि भाई थोड़ी एडजस्टमेंट तू करेगा, थोड़ी एडजस्टमेंट मैं करूँगा, कहीं पे तू चेंज होएगा, कहीं पे मैं चेंज हूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया ह्यूमन बीइंग ने कि उसने नेचर को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ले आया नेचर में या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट में। बाय किस तरीके से, नई नई चीज़ें इन्वेंट करके, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो क्या किया है उसने, अपना होराइज़न बढ़ा दिया, अपना काम करने का, अपना रहने सहने का, नेचर को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, रिसोर्सेज को, जो नेचर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है उनको बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे यूज़ करना शुरू कर दिया, यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। सो विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स वर टू लूजन द शैकल्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट की जो नींव है उसको हिलाते जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो लेबर की हार्शनेस है, जो लेबर है वो कम कर रही है, ठीक है। उससे क्या हो रही है, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, लेबर जल्दी से प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है। ह्यूमन बीइंग्स को क्या हो रहा है कि अब क्या है कि वो, क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट वे में, तो उनके पास ज़्यादा टाइम बच जाता है। ह्यूमन बीइंग्स खाली होते हैं, खाली होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ जीने पे ध्यान देते हैं, अपनी लग्जरी पे ध्यान देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स हैज़ बीन वेरी सकेंडली डिस्क्राइब बाय अ पोएट इन द फ्लोइंग डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। नेचर मतलब गॉड, ह्यूमन और नेचर के बीच में, मतलब ये फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग, इन दोनों का इंट्रैक्शन बताया हुआ है, ठीक है। कैसे, यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप, यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैंड। मतलब तुमने मिट्टी बनाई तो मैंने उस मिट्टी को भरने के लिए कप बना दिया, तुमने रात करी तो मैंने लाइट के लिए, तुमने अंधेरा कर दिया तो मैंने लाइट के लिए लैम्प बना दिया। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली ट्रेन्स एंड डेजर्ट्स, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स। मतलब जहाँ पे सूखा था, डेजर्ट था, मैंने वहाँ पे भी फूल पौधे उगा दिए। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स हैव क्लेम्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि भाई हमने देखो कितना काम किया है, लेकिन वो कैसे किया है, नेचर को यूज़ करके किया है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेज ऑफ फ्रीडम। अब क्या है, वो फ्री हो गए हैं कि जो उनकी नेसेसिटी है वो उसको यूज़ करके फ्रीडम कि यूज़ करो। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद नेचर। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट होते जा रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व करके। दस वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज नेचर एंड नेचुरलाइज ह्यूमन बीइंग्स एंड जोग्राफी स्टडीज देयर दिस इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। The space got organized with the help of means of transportation and communication network. Transport communication की वजह से अब बहुत ज़्यादा हमें interaction देखने को मिल रहा, और उसी interaction को human being और environment के interaction को geography study करता है। The links, मतलब जो भी routes हैं या जो nodes हैं, ठीक है, integrated the space and gradually it got organized। मतलब कि लोग रहने लग गए एक जगह पे, लिंक होने लग गए जहाँ से उनको resources मिल रहे हैं, तो वो organization बनने लग गई, तो social science discipline यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो geography अब as a discipline तीन questions की बात करता है। कुछ questions तो किससे related हैं, identification of the patterns of natural and cultural features। मतलब कि कैसे क्या क्या पैटर्न है नेचुरल और कल्चरल फीचर्स का, सारे अर्थ पे हमें क्या क्या पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे है कि अब ये जो पैटर्न है इसको आइडेंटिफाई कर लिया, अभी डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है अलग अलग जगहों पे। पहले आइडेंटिफिकेशन करने की बात की इसने, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की। सो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स नोट ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। It studies the patterns of distribution, location and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanation for these patterns. मतलब geography as a discipline क्या करता है, अर्थ के सर्फेस को समझता है, वहाँ पर जो उस स्पेस पे, उस जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वहाँ की देखने को मिलती है, क्या पैटर्न है, क्या लोकेशन है, किस तरीके से है, सारे फिनोमिना को स्टडी करता है, उसके पैटर्न को स्टडी करता है। इट टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशंस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमिना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट्स देम, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज पैटर्न्स। कि वो इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है
हमारे फिनोमिना क्या क्या उसको अफेक्ट कर रहे हैं, क्या उसका मतलब कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट आएगा, हर चीज़ को वो स्टडी करता है. इट ऑल्सो टेक नोट ऑफ द एसोसिएशंस एंड इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द फिनोमिना रिजल्टिंग फ्रॉम द डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट. कि ह्यूमन बींग्स में और फिजिकल एनवायरनमेंट में ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है इसमें किस तरीके से रिलेशनशिप ये शेयर करते हैं और कैसे कैसे वो चेंज होता है, वो किस किन किन रीजंस की वजह से चेंज होता है और उसका इफेक्ट क्या क्या आता है फिर, तो वो सब चीज़ें भी क्या करते हैं, ज्योग्राफी स्टडी करता है. सो दिस इज़ अ बेसिक अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. की एक नया डिसिप्लिन है, अलग नया नहीं अलग डिसिप्लिन है, इंडिपेंडेंट. सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक बार हम गो थ्रू ज़रूर कर लें इनको, राइट. तो आज हमने इतना थोड़ा सा बेसिक किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. टिल देन एक बार गो थ्रू कर लेना. वैसे एज सच कोई ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना. कुछ भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.